और इंस्पेक्शन जब कंप्लीट हो गया मैं जाने लगी तो उन्होंने मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाया। तो वो लिफाफा मैंने जब मना करते हुए कि सर हमारा डिपार्टमेंट इस तरीके से काम नहीं करता, वो उससे बहुत खुश हुए। तो समाज है कहीं ना कहीं पुरुषवादी समाज है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे भी हैं और जो उस तरीके से मेंटेन करते हैं कि हाँ जो फीमेल ऑफिसर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो उस चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कि मैंने स्टेट बोर्ड से अपनी पढ़ाई की है तो मैंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। हालांकि जब मैं पीएमटी की तैयारी कर रही थी तो मैंने साइंस की जो एनसीईआरटी है वो मैं उस समय गो थ्रू हुई थी। उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज के लिए कभी कोई भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ 12 घंटे पढ़े, हाँ लेकिन आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ना होगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। फिर दूसरी चीज़ जो आपको करनी है कि आपके सोर्सेज लिमिटेड हों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सभी हमारे साथ हैं अंशु शुक्ला मैम, जिनका छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2012 में सिलेक्शन हुआ था। स्टेट टैक्स ऑफिसर के पोस्ट पर हैं अभी मैम। तो आज हम मैम की स्ट्रेटजी जानते हैं, कैसी उनकी जर्नी रही, जो भी बातें हैं स्टेट पीसीएस से रिलेटेड हम सारी कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। ओके मैम, सबसे पहले आप ये बताइए आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था। जी सर, मैंने 2008 में बीएससी की है। बीएससी मेरा बायो में है। उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज में आना था, ये टारगेट था। तो मैंने एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है और हाल ही में मैंने जॉब के साथ में एलएलबी की है और मैं उसमें यूनिवर्सिटी टॉपर रही हूँ अभी। ओके सो मैम, अपनी स्टेट पीसेज जो छत्तीसगढ़, इसके बारे में बताइए कि आपने कब से तैयारी स्टार्ट की थी, या सिविल सर्विसेज की बात की जाए फिर देन कब आपका सिलेक्शन हुआ, इसके बारे में बताइए मैम। सर मैंने स्टेट सर्विसेज के बारे में 2008 में ही सोचा जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। और ऐसे तो मेरी माँ की चाहत थी शुरू से कि मैं स्टेट सर्विसेज में आऊँ। मैं तो मेडिकल की तैयारी कर रही थी और उसमें सिलेक्शन ना होने के बाद मैंने स्टेट सर्विसेज के लिए सोचा और पहले दूसरे प्रयास में ही सर मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैं अभी स्टेट टैक्स ऑफिसर के पद पर हूँ। ओके सो मैम, उस टाइम जैसे 2012 बताया जी, तो उस टाइम पे क्या सिविल सर्विसेज को लेकर इतना क्रेज था? हाँ सर, सिविल सर्विसेज को लेकर के क्रेज थ्रू आउट कभी कम नहीं होता है। तो 2012 में भी क्रेज इसी तरीके का ही था। हाँ ये ज़रूर है कि ओरिएंटेशन इतना नहीं मिलता और जितना यूट्यूब में अब चैनल्स हैं या जितना सपोर्टिंग स्टफ है वो सब चीज़ें उस समय अवेलेबल नहीं थी। उस समय हमको बुक पे ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता था या फिर अगर कोई कोचिंग लेनी है तो कोचिंग पर डिपेंड होना पड़ता था। ओके आगे वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अन अकेडमी लेकर आया है यूपीएससी सीएससी जीएस मेगा कॉम्बैट। गाइस यह एक करंट अफेयर्स स्पेशल कॉम्बैट होने वाला है, गेमीफाइड तरीके से एक लाइव टेस्ट होगा, जैसे कि क्विज होता है सेम उसी तरीके से होगा। जैसे आप 4 क्वेश्चंस होंगे, एक सही होगा तो आपको पॉपअप तरीके से मालूम चल जाएगा कि आपका आंसर सही है, और इस तरीके से आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उसमें आपकी रैंक भी जानने को मिलेगी। गाइस अगर मैं आपको बताऊं, इसमें जो करंट अफेयर्स है वो टॉप एडुकेटर के द्वारा बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ टॉप नॉच अप्रोच के साथ। साथ ही गाइस जो 250 लकी पार्टिसिपेंट होंगे उनको मिलेंगे 10,000 तक के अमेजोन गिफ्ट्स वाउचर। साथ ही इसमें इन डेप्थ वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। साथ ही ये जो टेस्ट है वो लाइव होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। सो गाइस 29 में यानी कि इस संडे को होने वाला है सुबह 11 बजे से, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फ्री में एनरोल होने के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें। गाइस आगे मैं आपको बता दूँ यूपीएससी सीएससी डेली स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। गाइस यहां पर आप जीत सकते हो अप टू 15% स्कॉलरशिप ऑन योर सब्सक्रिप्शन, यानी कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर। साथ ही टेस्ट योर सेल्फ, यहां पर आप अपने आपकी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही रैंक योर सेल्फ, यहां पर जो आप टेस्ट दोगे डेली स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे आप अपने आप को रैंक दे पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फ्री में एनरोल होने के लिए स्टूडेंटों का कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें। साथ ही मैं आपको बता दूं गाइस T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि प्रशांत धवन सर के द्वारा लाई जाती है डेली मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे से। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको 30 मिनट्स में करने होते हैं। सो गाइस डेफिनेटली एक करंट अफेयर्स आपका एकदम अच्छे से तैयार करवा देगा। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एंड फ्री में एनरोल होने के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें।
सो जैसे कि मैम आपने बताया कि आपको मेडिकल वगैरह करना था बट आप सिविल सर्विसेज में आए, तो मैम जब रिजल्ट आया और आपने देखा कि आप एज अ पीसीएस ऑफिसर बन गए, उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था, आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? सर फैमिली वालों का रिएक्शन तो ये था कि ठीक है, उनको लगता था कि उनकी बिटिया होनहार है, जैसे कि अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात कहूँ तो उनको तो ये लगता था कि उनकी बिटिया बहुत होनहार है, कुछ अच्छा कर लेगी। लेकिन सर चूँकि मेरा पीएमटी में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया था तो मैं थोड़ा डिसहार्टन थी, और चूँकि आपने थ्रू आउट 12 तक ये सोचा है कि पीएमटी में सिलेक्शन चाहिए और डॉक्टर बनना है, तो बहुत खुशी नहीं थी कि पीसीएस में सेलेक्ट हो गए, ठीक है कौन सा क्या बड़ी चीज़ कर ली। लेकिन मेरे आसपास जितने लोग थे वो सब बहुत खुश थे, और फाइनली जब मैंने ज्वाइन किया, जब इसकी गरिमा को मैंने फील किया, तब जा करके मुझे भी एहसास हुआ कि नहीं, मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है। राइट मैम, तो बात की जाए जब आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की जर्नी में आए जी, तो उस टाइम पर रिसोर्सेज वगैरह कैसे कलेक्ट करिए या फिर पढ़ना स्टार्ट कैसे किया आपने तैयारी के लिए? सर वो सबसे टफ टास्क होता है, जो प्रिलिमिनरी स्टेज होती है वो बहुत फैक्चुअल होता है। उस समय भी जब मैंने एग्ज़ाम दिया था बहुत फैक्चुअल एग्ज़ाम का पैटर्न था, और चूँकि एक मेडिकल की जो तैयारी कर रहा होता है स्टूडेंट, उसको बहुत ज़्यादा फैक्चुअली याद करने की आदत नहीं होती है, मतलब अगर मैं सही भाषा में कहूँ तो रटने की आदत नहीं होती है, तो वो कठिन था मेरे लिए भी, खासकर हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो आज भी मुझे अगर कहें तो बहुत अच्छे से याद नहीं होता। लेकिन हाँ, बार बार मैंने अपने सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे, शुरू से मैंने ये किया कि मुझे सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखने हैं और एक ही बुक को 10 बार पढ़ना है, तो उस चीज़ का मुझे बहुत हेल्प हुआ, और धीरे 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 याद करते हुए वो चीज़ें मुझे याद हो गई। राइट मैम, सो थोड़ा सा पैटर्न बताइए जी, छत्तीसगढ़ पीसीएस के एग्जाम्स का क्या पैटर्न है, क्या पहले से चेंज हो गया फिर उसी पैटर्न में? जी सर, मेरा जिस मतलब अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ 2012 में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो उस समय ही वो पैटर्न चेंज हुआ था। वो मतलब पहली ही बार जो पैटर्न था वो ऑब्जेक्टिव से, पहले जो मेंस होता था वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में था, और 2012 में ही पहली बार वो रिटन पैटर्न में हुआ था, सब्जेक्टिव पैटर्न में हुआ था, जिसमें 7 पेपर्स होते थे, और अभी भी 7 पेपर्स हो रहे हैं, पैटर्न ऑलमोस्ट वही ही है 7 पेपर्स का ही। ओके, सो मैम स्ट्रेटजी वगैरह बताइए कि जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू के लिए? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फोकस आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो ये एग्ज़ाम है बहुत डिमांडिंग है, मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि आप सारी चीज़ें करेंगे, इधर उधर घूमेंगे और आप पढ़ने के नाम पर बैठ जाएंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे, तो उस तरीके से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको डिवोशन के साथ, अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो आप अपने लिए 5 घंटे का टाइम सेट करिए, और एक दिन में सिर्फ 5 ही घंटे पढ़िए, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ 12 घंटे पढ़ें। हाँ, लेकिन आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ना होगा, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। फिर दूसरी चीज़ जो आपको करनी है कि आपके सोर्सेज लिमिटेड हों, जैसा कि अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, तो लोग ये करते हैं कि वो बहुत सारे सोर्सेज रख लेते हैं, बहुत सारी बुक्स रख लेते हैं, वो सही तरीका नहीं है। आपको अपने सोर्सेज लिमिटेड रख करके उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ना होगा, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। आपने सोर्सेज रख लिया, सारा कुछ कर लिया, आपने दूसरों से सुन लिया, लेकिन आपको किस में कमी है वो सिर्फ आप जानते हैं, कोई और नहीं आपको गाइड कर सकता। जैसे कि मैं साइंस की स्टूडेंट थी, मेरा बैकग्राउंड अच्छा था, मुझे सी सेट पढ़ने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, तो मुझे ज़रूरत पड़ती थी कि मैं हिस्ट्री के जो चीज़ें हैं उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दूँ, तो सर वो कमी आप खुद ही जान सकते हैं, तो वो चीज़ आपको टारगेट करनी होगी कि अगर आप हिस्ट्री में कमज़ोर हैं तो आप अपने दिन का ज़्यादा समय जो है वो हिस्ट्री में दें और बाकी चीज़ों को कम टाइम पर दें, तो इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी की है। ओके, सो मैम बुक्स वगैरह की बात करें, कुछ सोर्सेज की क्या क्या फॉलो करनी चाहिए मैम? जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बुक्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने स्टेट बोर्ड से अपनी पढ़ाई की है, तो मैंने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, हालांकि जब मैं पीएमटी की तैयारी कर रही थी तो मैंने साइंस की जो एनसीईआरटी हैं वो मैं उस समय गो थ्रू हुई थी, उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज के लिए कभी कोई भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ स्टेट बोर्ड के जो 12th तक की बुक्स हैं वो एक बार अपनी तैयारी के साथ में देखा था, उसके अलावा जो बेसिक बुक्स हैं या नोट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लक्ष्मीकांत की बुक मैं प्रेफर करती हूँ कि हाँ वो बुक अच्छी है और वो मैं पढ़ती हूँ, ज्योग्राफी के लिए बर्नवाल जी की बुक है, इकोनॉमिक्स में कोई भी आप बेसिक बुक पढ़ लें, उसके बाद फिर आपको करेंट्स में फोकस करना पड़ेगा कि करेंट्स का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी की है। ओके, सो आपका मीडियम वगैरह क्या था मैम? मेरा मिक्स मीडियम
मीडियम ही है, जैसे कि पीएमटी की तैयारी मैं इंग्लिश मीडियम में कर रही थी, और जब मैंने मेंस दिया था तो उसमें 7 पेपर्स थे, तो 7 पेपर्स में कुछ पेपर्स आप इंग्लिश में दे सकते हैं, कुछ पेपर्स हिंदी में दे सकते हैं. तो मैंने मटेरियल के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैंने अपना मीडियम लिखा. मेरे को दोनों में ही कम्फर्टेबल हूँ सर, मैं हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी. मैम जो ऑप्शनल वगैरह होता है इसमें? हाँ नहीं, इसमें ऑप्शनल की जरूरत नहीं पड़ती है. आपको 7 पेपर्स है और 7 पेपर्स में आपको सारा जीएस है, और जीएस के लेवल पे ही क्वेश्चन होते हैं. हालांकि जो हमारा स्टेट पीसीएस होता है वो छत्तीसगढ़ पे फोकस्ड होता है, तो उसमें जो 50% सिलेबस है वो छत्तीसगढ़ पे बेस्ड है. छत्तीसगढ़ स्पेशल करेगी? हाँ हाँ. तो मैम कुछ छत्तीसगढ़ स्पेशल पढ़ने के लिए कोई मैगजीन या कोई बुक जो स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए? सर उपकार प्रकाशन की बहुत सारी बुक्स हैं, इसके अलावा जो लोकल वहाँ पे कोचिंग मटेरियल्स हैं वो बहुत कुछ अवेलेबल है. जैसे पटेल ट्यूटोरियल्स का मैं नाम लूँगी, उनके कुछ अच्छे कोचिंग मटेरियल्स हैं जो अवेलेबल हैं, वो सब बच्चे पढ़ सकते हैं. राइट मैम, जैसे कि छत्तीसगढ़ पीसीएस है, तो मैम एग्ज़ाम्स की फ्रिक्वेंटी क्या है? मतलब जैसे कि बीपीएससी या यूपी पीसीएस की बात करें तो ये साल में एक दो बार हो जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ पीसीएस मतलब जैसे अभी कितने बार होते हैं, कब होते हैं एग्ज़ाम्स? सर इनकी फ्रिक्वेंसी रेगुलर है, मतलब ये एवरी ईयर कंडक्ट होते ही हैं, और ऑलमोस्ट फेब्रवरी में इनका प्रीलिम्स होता है, मई जून में मेंस होता है, और इंटरव्यू भी अक्टूबर नवंबर के आसपास इंटरव्यू हो जाता है. और ये रेगुलर पैटर्न पे है, और वो मतलब फरवरी में एग्ज़ाम होना ही है. राइट मैम जी. सो अगर बात की जाए, जैसे कि मैम आपने बताया था कि अभी आप जीएसटी डिपार्टमेंट में हैं, तो आपका क्या काम रहता है, किस तरीके से आप अपने मतलब काम करते हो, क्या चीज़ें होती हैं? जी जैसे कि मैं अभी स्टेट टैक्स ऑफिसर हूँ, तो उसमें असेसमेंट करना होता है जो व्यवसायी हैं उनके, जिन्होंने परचेसिंग की है और सेल किया है, जो मतलब व्यवसायी इस तरीके से दिखाते हैं, उनका असेसमेंट करना होता है, और उन पर टैक्स होता है जो वो टैक्स इम्पोज करते हैं. और उसके अलावा अगर जीएसटी में मतलब कोई किसी को गाइडलाइंस चाहिए या किसी को कोई दिक्कत होती है तो उस तरीके की हेल्प होती है. ओके सो मैम, अभी आप कहाँ पे पोस्टेड हैं वैसे? मैं बिलासपुर में पोस्टेड हूं. बिलासपुर में हो. ओके सो मैम, जैसे कि कहा जाता है छत्तीसगढ़ में काफ़ी नक्सलवाद एरिया है, तो मैम क्या चैलेंजिंग है वहाँ पर जॉब करना एज अ ऑफिसर, या फिर नॉर्मल जैसे अदर स्टेट में होता है वैसे? सर नक्सलवाद तो है, जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं वो बस्तर संभाग प्रभारी डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, तो उनके साथ मैं भी वहाँ पर रही थी 6 महीने लगभग, मैं वहाँ पर उनके साथ में रही थी. चैलेंजिंग होता है, लेकिन वो फोर्सेस के लिए थोड़ी दिक्कत भरी स्थिति होती है, लेकिन जो सिविल जॉब में है उनको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है. और जितना मैंने बस्तर को महसूस किया सर, बस्तर बहुत सुंदर जगह है, और जितने सीधे साधे और अच्छे लोग वहाँ बस्तर में हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे. तो मेरा एक्सपीरियंस जो है बस्तर का वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. ओके सो मैम, एक होता है जॉब सेटिस्फैक्शन, या फिर कहें मतलब एक जिस उम्मीद से हम ऑफिसर पोस्ट पर जाते हैं सिविल सर्विसेज में, कि हाँ ठीक है हम जॉब करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, तो मैम उस अकॉर्डिंग आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको करीब 8 से 10 साल हो गए जॉब? जी जॉब सेटिस्फैक्शन तो है, लेकिन फिर भी आप हमेशा कुछ अच्छा करना चाहते हैं. जैसे कि अभी मुझे लगता है कि मेरी शादी हो गई है और अभी मेरे पास समय है, तो मैं अपने लिए कुछ और बेहतर अचीव करूं, इसलिए मैंने इसी पर्सपेक्टिव से एलएलबी भी किया है. तो मुझे लगता है कि आगे मैं कुछ और अच्छा करना चाहूँगी. ओके सो जैसे कि अभी आपने बताया था कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मैम अभी आप कैसे टाइम निकाल लेते हो, इतना सारा बिजी शेड्यूल, आपकी फैमिली भी है ना, फैमिली को भी मैनेज करना, देन जॉब को मैनेज करना, फिर स्टडी, मतलब आपके पास 3 काम है, तो मैम कैसे हो जाते हैं? देखिए सर, मुझे ये लगता है कि आप कितना कितने घंटे डिवोट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ स्टडी आपकी इम्पॉर्टेंट है. अगर आप डेली 2 घंटे 3 घंटे भी निकाल करके पढ़ें, और हाँ ये कंडीशन तब है जब आप एक पुराने अच्छे स्टूडेंट रहे हो, आपने बेसिक सारा कंप्लीट कर लिया हो, तो क्या नए बच्चे फिर कन्फ्यूज ना हो जाए 2 घंटे पढ़ के वो सारा बदमाशी करें, वैसा नहीं है. अगर आपने बेसिक सारा क्लियर कर लिया है और आप डेली बेसिस पे 2 घंटे 3 घंटे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप फोन के साथ मतलब बिजी हो करके इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं. हालांकि बहुत टफ टास्क होता है एक छोटे बच्चे के साथ, बट इसमें मेरे पेरेंट्स बहुत हेल्प करते हैं. राइट. मेरे हस्बैंड का बहुत हेल्प है इसमें. ओके सो मैम, कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जो आप शेयर करना चाहते हो जिससे किसी को कुछ सीखने को मिले या फिर मोटिवेशन मिले? जी जी
एक इंसिडेंस ऐसा है मेरे साथ, जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया कुछ समय बाद ही मुझे एक बड़े व्यवसाय का इंस्पेक्शन मिला था. और चूंकि प्राइमरी में अपनी प्रिपरेशन करके जाती हूँ जहाँ पे भी मुझे इंस्पेक्शन के लिए जाना होता है, तो जब मैंने देखा तो वो बड़े व्यवसायी थे, काफ़ी बड़े व्यवसायी और बड़ा नाम उनका था. तो मैंने ज़्यादा तैयारी की कि मुझे एक्स्ट्रा पेपर्स और भी जो चेक करने हैं वो ज़्यादा अच्छे से चेक करने हैं. जब मैं उनके यहाँ गई, मैंने देखा तो उनके सारे पेपर्स जो थे वो वेल मेंटेन थे, उन्होंने बहुत अच्छे पेपर्स सारे तैयार करके रखे हुए थे. और इंस्पेक्शन जब कंप्लीट हो गया, मैं जाने लगी तो उन्होंने मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाया. तो वो लिफाफा मैंने जब मना करते हुए कि सर हमारा डिपार्टमेंट इस तरीके से काम नहीं करता, वो उससे बहुत खुश हुए. तो ये एक मैसेज है जो मैं बाकी लोगों को भी देना चाहूंगी. राइट मैम, एक चीज और मैम, एज अ फीमेल ऑफिसर के रूप में काम करना कितना चैलेंजिंग लगता है? ये मुझे लगता है कि एक चैलेंज वाला काम तो है कि अभी भी जो समाज है कहीं ना कहीं पुरुषवादी समाज है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे भी हैं और जो उस तरीके से मेंटेन करते हैं कि हाँ जो फीमेल ऑफिसर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो उस चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं. बट हाँ, कहीं कहीं पर हम लोगों को प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से टैकल करते हैं. राइट जी. ओके ओके. सो मैम, जैसे कि लोग आजकल देखा जाता है कि टैक्स बचाते हैं या फिर टैक्स ही नहीं भरते हैं, तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये परंपरा तो है हमारे देश में कि लोग मतलब अगर बिल ना लेने से थोड़ा टैक्स बच जाता है तो वो टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका परिणाम वो नहीं देखते. अगर वो अपनी 10 रुपये बचा रहे हैं तो सामने वाले के 100 रुपये बच रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है. और अगर आप टैक्स चोरी कर रहे हैं उसके बाद फिर आपको देश को ये कहने की बिल्कुल गलत है कि आप रोड नहीं बनी हुई है, हमें लाइट नहीं मिल रही है, हमारे पास हेल्थ अच्छा नहीं है, हमारे पास एजुकेशन अच्छा नहीं है, तो ये कहने का फिर आपको कोई अधिकार नहीं है. राइट मैम. सो अभी जैसे कि आप ऑफिसर पोस्ट पे हो जी, तो मैम एक जैसे होता है ना ऑफिसर की लाइफ और एक सेटिस्फेक्शन, अभी आप इतने टाइम से कर रहे हो जी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा जॉब को लेकर आपका? सर देखिए, किसी भी पद से अगर आप सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होते हैं उसमें एक गरिमा तो जुड़ी हुई है, सम्मान का पद होता है, तो वो सम्मान तो है और लाइफ भी उस तरीके की है, प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना होता है और चीज़ें भी ठीक है. आप अगर एक अच्छे ऑफिसर की तरह से और हर तरीके से आप मैनेज करते हैं तो आपके लिए सब कुछ बहुत ईजी और बहुत आपके अकॉर्डिंग होता है. राइट मैम. सो बात की जाए जो छत्तीसगढ़ PCS है उसकी जो तैयारी करना चाह रहे हैं स्टूडेंट, तो वो जब स्टार्टिंग में इस प्रिपरेशन में आना चाह रहे हैं तो वो क्या चीज़ों का ध्यान रखकर आए इस प्रिपरेशन में, या फिर उनको कब आना चाहिए, कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए सर, इसमें मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ सर्विसेज का जो अभी का पैटर्न है, इससे पहले तो मैथ्स बेस्ड था, बहुत ज़्यादा मैथ्स बेस्ड था, तो डेफिनेटली साइंस के स्टूडेंट्स को और मैथ्स के स्टूडेंट को उसमें हेल्प हो रही थी. लेकिन ऐसा नहीं है, अभी पैटर्न को चेंज हुआ है जिसमें पहले जो मैथ्स और साइंस के अलग अलग पेपर्स थे उसको मर्ज कर दिया गया है, तो अभी सभी के लिए काफ़ी स्मूथ हो गया है. और जैसे कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि वो साइंस और मैथ्स वालों के लिए बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा नहीं है. जब साइंस और मैथ्स वाले सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, तो फिर ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं वो साइंस मैथ्स क्यों नहीं पढ़ सकते? तो मुझे लगता है कि आपको ग्रेजुएशन से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के टाइम से अगर आप शुरू कर दें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. और चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं या साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपको प्रिपरेशन हर एक चीज़ की करनी होगी. मतलब जो जनरल GS है, चाहे वो सोशियोलॉजी, फिलॉसफी हो, हिस्ट्री हो, या साइंस बैकग्राउंड हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, आपको हर एक की नॉलेज होनी चाहिए. ओके. सो मैम, अगर बात की जाए जैसे सिलेक्शन रेशियो, या फिर मतलब कितना डिफ़िकल्ट है या फिर कितना सही है इसमें सिलेक्शन ले पाना छत्तीसगढ़ PCS में, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है PCS को ना एक बहुत बड़े एग्ज़ाम की तरह लेते हैं, तो मैम आपके अकॉर्डिंग कैसा रहेगा? स्टूडेंट जो एकदम रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका एजुकेशन अच्छा नहीं होता है, बेसिक एजुकेशन, तो उनको क्या करना चाहिए मैम? सर देखिए, मैंने आपको बताया कि स्टेट बोर्ड से हूँ, मैंने कोई CBSE NCERT में पढ़ाई नहीं की थी, के स्कूल्स में पढ़ाई नहीं की थी. तो आप अगर एक सामान्य अच्छे स्टूडेंट हैं जो अपने लिए मतलब ट्रूथफुल है, आप अपने लिए आपने ईमानदारी से परिश्रम किया है, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे, भले आपकी पढ़ाई गांव में ही क्यों नहीं हुई हो. हाँ, आपको ये है कि आपको सोर्सेज के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आजकल यूट्यूब में बहुत कुछ अवेलेबल है. कॉम्पिटिशन कम्युनिटी करके एक चैनल है, वो बहुत अच्छा कर रही है. आज़ाद फाउंडेशन करके एक ग्रुप है, उन्होंने काफ़ी कुछ
ऑनलाइन अवेलेबल कराया हुआ है, वो दोनों मैंने वीडियोज़ उनके देखे हैं, काफ़ी क्वालिटी उनके वीडियोज़ हैं, तो इस तरीके के वीडियोज़ देख सकते हैं। और सर आप खुद भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। ओके सो अभी हम मैम के साथ एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि कंप्लीट जो पीसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि छत्तीसगढ़ पीसेस के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें या फिर बुक्स की बात करें या फिर स्ट्रेटजी की बात करें, तो ये सारा हम मैम से एक सिंगल वीडियो में उसमें कर देंगे कवर। तो और मैम लास्ट में नए एस्पिरेंट हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं नए स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज मुझे लगता है कि मुझे देना है कि आप अपने साथ ईमानदार रहें, आप अपने साथ धोखा ना करें। अगर आप फ़ोन लेकर के पढ़ने बैठ रहे हैं, आप पेरेंट्स को दिखा रहे हैं कि 10 घंटे पढ़ाई हो रही है और आपकी क्वालिटी स्टडीज़ केवल 2 घंटे की है, तो वो ठीक नहीं है। ओके सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइज देखा मैम ने अपनी जर्नी आपके साथ डिटेल में शेयर की, सो आई होप गाइज कि आपको मैम से कुछ सीखने को मिला होगा, साथ में छत्तीसगढ़ जो पीसीएस है उसके बारे में आपको जानने को मिला होगा। देन मैं अगेन आपको बता दे रहा हूँ कि जो मैम के साथ मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ उसमें एक कंप्लीट कवर कर देंगे छत्तीसगढ़ पीसीएस की स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट एंड पैटर्न वगैरह। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो अभी हमारे साथ हैं मैम के पेरेंट्स, तो हम जानते हैं कि मैम की उन्होंने किस तरीके से हेल्प की थी उस टाइम पे, आज से अगर देखा जाए 8 से 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था कि बहुत गर्ल्स को एजुकेशन के लिए या पढ़ाने के लिए प्रमोट किया जाता, अब तो इंटरनेट वगैरह की वजह से सभी लोग अवेयर हो गए हैं, तो काफ़ी चीज़ें सही से चल रही हैं। तो आपने किस तरीके से मैम को हेल्प किया, किस तरीके से उस बोली? मेरी बेटी अभी जिस पोस्ट में है वैसा मैं चाह रही थी और ऊपर चाहती हूँ मेरी बेटी बने, और हेल्प तो माँ बाप अपने बच्चों का करते ही है बेटा, है ना जी। तो बस अपने फ़र्ज निभाते जा रहे हैं, अपनी बेटी को अच्छा से पढ़ा लिखा रहे हैं, हर चीज़ में हेल्प करते हैं, हर जगह खड़ा होते हैं कि हाँ मेरी बेटी। आज भी हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, बिलासपुर से दिल्ली आए हैं, इतना छोटा बच्चा लेके आए हैं, सिर्फ अपने बच्चों के कारण आए हैं जी जी। ओके सो जैसे कि मैम आपके सिंगल चाइल्ड हैं और फीमेल भी हैं, गर्ल्स है, देखा जाता है कि एक बॉयज़ ज़रूर होना चाहिए फैमिली में एटलीस्ट, तो वो आपके लिए कैसा रहा, कैसे इस समाज में क्या होता है ना कि गर्ल्स ही है आपने और बच्चे क्यों नहीं करे, तो ऐसा क्या विज़न रहा आपके साथ कि आपने एक ही गर्ल्स रखी अपनी? जी ऐसा है कि हम लोग तो शुरू से चाहते थे एक बच्चा रहे, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो लड़की हो गई तब भी हमें उतनी प्रसन्नता थी, और आगे पढ़ाए लिखाए, इनको पढ़ने लिखने का मौका दें, अधिक से अधिक हेल्प करें, और घर का कोई बॉर्डर कोई बोझ ना दें इनके ऊपर, ये सब हम लोगों का प्राथमिकता रहा है। ओके और उसमें ईश्वर ने सफलता दिया, आज बिटिया है क्लास 2 गजिस्टर्ड ऑफिसर है और दामाद भी क्लास 1 डिप्टी कमिश्नर है, और आगे दामाद भी IAS के अभी इंटरव्यू के आए हैं, और ईश्वर से हम लोग यही चाहते हैं कोई सेलेक्ट हों और IAS में स्थान मिले। राइट ओके थैंक यू सो मच, आप लोगों की सोच काफ़ी अच्छी है, पर्सनली लीजिए।